हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैं। तो आज मैं आपको रुपे क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई लिंक करके पेमेंट करने पे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, साथ में क्या नुकसान होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि यहां नुकसान ना के बराबर है, लेकिन आपको इस वीडियो में क्या नुकसान है आपको ये पता लग जाएगा। साथ ही आपको कौन से बैंक का कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड यहाँ रखना चाहिए, जिससे कि आपको जल्द ही यहाँ रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले फ़ायदे की हम बात करें, इस क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई लिंक करके पेमेंट करने पे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा, कहीं पे भी यहाँ जो यूपीआई क्यूआर कोड को यहाँ स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। कोई भी आपको फिजिकल रुपे क्रेडिट कार्ड को यहाँ कैरी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप यहाँ अपने जो भी रुपे क्रेडिट कार्ड हो उसको यहाँ यूपीआई से लिंक करेंगे। आपका इसका यहाँ यूपीआई पिन आपको सेट कर लेना है और आसानी से आप क्रेडिट कार्ड से ही यहाँ यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अभी तक होता ये था कि छोटे छोटे, जैसे मान लेते हैं कोई भी सब्जी का दुकान है, कोई भी चाय का दुकान है, कोई भी छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर वो POS मशीन नहीं रखते हैं। कारण ये है कि उनका यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर यहाँ पे वो यहाँ पे POS मशीन रखते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ 2% से लेके 3% तक का यहाँ चार्जेस मर्चेंट्स को पेमेंट करना होता है। तो यही रीज़न है यहाँ छोटा बिजनेस करने वाले यहाँ कोई भी यहाँ पॉइंट ऑफ सेल नहीं रखते हैं, वो यहाँ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। तो इस तरह से कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना उनको काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो उनको नहीं हो पाता है। यही रीज़न है वो अपना POS मशीन यहाँ रखते नहीं हैं। तीसरा फ़ायदा, यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यहाँ जीरो यहाँ चार्जेस, MDR चार्जेस जो है, जो कि मर्चेंट्स को पेमेंट करना होता है, वो चार्जेस जीरो होने वाला है। तो ऐसे में मर्चेंट्स को, छोटे मर्चेंट्स को तो फ़ायदा होने ही वाला है। तो ऐसे में यहाँ मर्चेंट के साथ साथ में यहाँ कस्टमर का भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर जगह पे कोई भी छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट्स कर रहे हैं। कहीं पे भी जा रहे हैं, सारे जगह पे छोटे छोटे मर्चेंट्स को भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ कैश यहाँ आपको देना नहीं पड़ रहा है। अभी तक होता ये था कि यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट्स करते थे छोटे मर्चेंट्स को, तो उनके बैंक अकाउंट में जाता था और यहाँ पे आप जो है क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो आप क्या है, आपको ₹1 भी यहाँ पेमेंट्स करना होगा आपको किसी भी मर्चेंट्स को, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद यहाँ सभी कस्टमर या छोटे मर्चेंट्स को भी यहाँ होने वाला है। चौथा जो बेनिफिट होने वाला है, यहाँ आप सारे जगहों पे इस तरह से आप छोटे छोटे मर्चेंट्स को भी आप यह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी आपका कार्ड का एनुअल फी वेवर वाला जो फीचर होता है, अगर जितना एनुअली स्पेंडिंग करेंगे उसके माइलस्टोन को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप सारे जगह पे सारे छोटे छोटे मर्चेंट्स को भी आप जो है क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट्स कर रहे हैं, तो आसानी से आप माइलस्टोन को कंप्लीट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि यूपीआई के थ्रू हम किसी भी मर्चेंट्स को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया कि यहाँ पे जब भी हम पेमेंट्स करेंगे किसी भी छोटे मर्चेंट्स या बड़े मर्चेंट्स को यहाँ यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ मर्चेंट्स को कोई भी चार्जेस बैंक को पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ मर्चेंट जो है बैंक को पेमेंट्स कोई भी यहाँ चार्जेस देना नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ हमें कोई भी रिवार्ड्स या कैशबैक आपको इस ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलने वाला है। जनरली अभी तक होता ही है कि जब भी हम कार्ड को स्वाइप करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो यहाँ पे जनरली मर्चेंट्स को यहाँ MDR चार्जेस देना पड़ता है। वहाँ पे मर्चेंट्स जो है बैंक को चार्जेस पे करती है। तो यहाँ से आपका 2% का यहाँ चार्जेस हो सकता है, 3% का चार्जेस होता है, 5% का, जो भी चार्जेस यहाँ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जो भी यहाँ अमाउंट, जो भी परसेंटेज मैंने बताया। तो इस तरह से यहाँ मर्चेंट्स जो भी परसेंटेज यहाँ उसका चार्जेस पे कर रहे हैं। तो ऐसे में बैंक चाहती है कि जो भी चार्जेस है ऐसे रिवार्ड जो है कस्टमर को ही दे देती है, चाहे वो कैशबैक के फॉर्म में हो या रिवार्ड के फॉर्म में, बैंक जो है कस्टमर को यहाँ पे करती है। तो यही रीज़न है अच्छे खासे हमें जो है बैंक के जो भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वहाँ पे 2% 3% का रिवार्ड या कैशबैक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे UPI के थ्रू क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं तो मर्चेंट्स को यहाँ 0 चार्जेस है। तो ऐसे में कोई भी हमें जो है उस ट्रांजेक्शन में कैशबैक या रिवार्ड्स नहीं मिलने वाला है। यही एक नुकसान आपके लिए हो सकता है।
अब रही बात कि कौन से बैंक का कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड हमें रखना चाहिए, जिससे कि हमें जल्द ही हम जो है यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ बात किया जाए तो चार बैंक की लिस्ट यहाँ रखी गई है, जिसके रुपे क्रेडिट कार्ड से आप जो है यूपीआई को लिंक करके यहाँ यूपीआई के थ्रू किसी भी मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट यहाँ कर पाएंगे। तो पहला जो है इंडियन बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड से आप फिलहाल यहां लिंक कर पाते हैं। इसी प्रकार से पीएनबी बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। इसी प्रकार से यूनियन बैंक का भी क्रेडिट कार्ड होगा रुपे क्रेडिट कार्ड, तो आप यहां लिंक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एचडीएफसी का भी ऑप्शन आ गया, एचडीएफसी का अगर आपके पास कोई भी रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो मेरे लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे सबसे अच्छा जो रुपे का क्रेडिट कार्ड होगा एचडीएफसी बैंक का अगर रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक का जो टाटा नियो रुपे क्रेडिट कार्ड होगा इसको लेंगे तो बेहतर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी का टाटा नियो का दो वेरिएंट क्रेडिट कार्ड होगा। कोई भी कार्ड को यहाँ आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय ही यहाँ वेरिएंट को यहाँ चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीजा या रुपे वेरिएंट कोई भी ऑप्शन आपको वहाँ दिया जाता है, तो आपको कन्फर्म रहेगा कि आपको रुपे क्रेडिट कार्ड ही मिलने वाला है। इसके अलावा आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यहाँ चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पब्लिक सेक्टर का ये बैंक है, तो ऐसे में बहुत ही जल्द आपको इस तरह के बैंक में भी जो भी इनके रुपे क्रेडिट कार्ड होंगे उसको आप आसानी से यूपीआई के थ्रू लिंक कर पाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कॉमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।